एंड वेलकम 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 एवरी वन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मिंटर दोस्तों आप लोग का दोस्त ठीक है जो इस चैनल पर पहली बार आ रहे जो इस फेज को पहली बार देख रहे हैं बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आप लोगों का मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहां पर मैं कर क्या रहा हूं ठीक है मैं क्लास एट के क्लास एट में ही होना अरे नाइन्थ और टेंथ में भी तो कोई दिक्कत नहीं है बेस क्लियर हो जाएगा ठीक है ना अगर क्लास टेंथ में हो

अरे मेरा पेन हाँ पेन मिल गया अरे पेन कहाँ गया भैया अरे पेन कहा अरे पेन नहीं मिल रहा हो अरे कहा गो ओ भैया हाँ मिल गो मिल गो मिल गो क्या बात है क्या बात है हाँ भैया माफी 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 देरी के लिए खेद है भैया सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग जिसको जो समझना है सब समझ आ जाएगा बस इंतजार करो ता नहीं ठीक है सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों की डेटा होता क्या है डेटा होता क्या है ठीक है उसके बाद देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे जो कि पूरे चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी ठीक है उसके बाद समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है फिर हो गया टैली मार्क्स अरे टैली एक दो तीन कार्ड डालो कितना हो गया पांच है ना? वो टैली समझेंगे तो तो क्या बोल दिया अरे बताएंगे 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 उसके बाद समझेंगे दोस्तों की ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है कैसे बनाया जाता है उसके बाद सीखेंगे कि ग्राफ बनाते क्यों हैं, फायदा क्या है जरा देखेंगे ठीक है, ना, पाई चार्ट है ना, वो सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लास एट्थ में, में भी होगा मुझे आइडिया नहीं है बड़े नहीं बे उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आज तो फटाफट स्टार्ट करते हैं यार अबाउट डेटा एकदम तैयार हो जाओ ना चिप्स लेके बैठ जाओ ना क्या कर रहे हो भाई पढ़ाई कर रहे हो चिप्स खाओ मजाक कर रहा था मैं ठीक है बट एनी अगर आपका मन लगता है उससे तो कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है अरे यार चलो ठीक है ठीक है ठीक है फालतू बात नहीं फालतू बात नहीं हाँ डेटा तो क्या होता है दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन डेटा होती है कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करोड़ों लोग वीडियो को देख रहे हैं नहीं मतलब जितने भी देख रहे हैं ठीक है अगर मैं पता करूँ कितने लोग को वीडियो कितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो जो कितने लोग हैं ना वो डेटा हो गया वो एक इंफॉर्मेशन हुई मेरे लिए तो वो डेटा हो गया समझ में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पांच लोग वीडियो देख रहे हैं तो पांच लोगों का अगर मैं वेट कलेक्ट करता हूँ चेक करता हूँ कि वेट कितना है सबका वेट पता लगाता हूं समझ में आ रहा है तो वो वेट क्या हो गया डेटा हो गया समझ में आ रहा है तो डेटा कुछ भी हो सकता है और आज की दुनिया में आज की दुनिया में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे जाओगे बड़े बड़े बिजनेसेस करोगे तो बिजनेस वाला जो इंसान होता है टॉप पे बैठा होता है वो क्या करता है पहले वो मार्केट को समझता है कि मार्केट में क्या चल रहा है समझ में मार्केट में क्या चल रहा है अब वो क्या चल रहा है मतलब एक इंफॉर्मेशन हुई मतलब एक हुआ, और उस को समझ कर, वो कुछ डिसीजन लेता है जो कि कंपनी को ग्रो करवाए समझ मारा? आप भी ऐसी करोगे मार्केट में क्या चल रहा है इंफॉर्मेशन गैदर करोगे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह डेटा है हर जगह ठीक है मैं डेफिनेशन भी रीड कर देता हूं नीचे झुककर भैया अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या मान मान लो लो वेट मालो, आप लोगों का ठीक है अगर मैं उसको न्यूमेरिकल फैक्ट में कलेक्ट करो का मतलब क्या न्यूमेरिकल मतलब नंबर समझ लो ठीक है अगर मैं आप लोग के वेट कलेक्ट कर रहा हूं तो वो जो इंफॉर्मेशन हुई उसको मैं डेटा बोलूंगा क्लियर है बातें क्या बात है भैया ईच न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ दिस टाइप हर एक न्यूमेरिकल फैक्ट मतलब हर एक बंदे या हर एक बंदी का जो वेट होगा उसको मैं ऑब्जर्वेशन भी कह सकता हूं क्या कह सकता हूं ऑब्जर्वेशन अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से फिर आगे चलेंगे यार ये छोटी छोटी बातें होती है ना डेटा क्या होता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है न्यूमेरिकल फैक्ट क्या होता है फैक्ट क्या होता है हम लोग जाने देते हम लोग किसी से पूछते ही नहीं है इलेवेंथ में कहीं पर दिख जाता है ऑब्जर्वेशन हम लोग समझ में नहीं आता क्या चल रहा है यार बेसिक बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में तो बेसिक पे ध्यान दो क्लास वादा दे तो है, तो है भैया बहुत ज्यादा शक्ति हो गई कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं बेसिक 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 रॉ डेटा भैया रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा कच्चा डेटा मतलब कोई डेटा अभी अभी मैंने कलेक्ट कर रहा है और उस पर मैंने कोई काम नहीं करा कोई भी काम नहीं भैया डेटा पे काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा वो काम क्या होता है धीरे धीरे सीखते जाओगे ठीक है आज थोड़ा सा काम करेंगे तो भैया कोई डेटा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ वेट्स या फिर कलेक्शन ऑफ हाइट हर एक हाइट को मैं क्या बोलूंगा ऑब्जर्वेशन क्लियर है बातें बढ़िया कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करा गैदर कर लिया ये जो कलेक्शन है ये जो कलेक्शन है अभी इसमें मैंने कोई काम नहीं करा तो डेटा बोलूंगा समझ मा रहे बढ़िया रेंज क्या होता है बहुत आसान है बहुत आसान है ठीक है हम सब एक रूम में बैठे ठीक है एक रूम में बैठे या खड़े हो गए कुछ भी ठीक है मान लो पचास लोग इस रूम में आ जाएंगे भाई घुस जूस के आ जाएंगे ठीक है अब मैंने क्या करा मुझे डेटा कलेक्ट करना है इन पचास लोगों की हाइट का हाइट का कितने लंबे ठीक है अब अब मेरी हाइट सबसे लंबी होगी मान लो पूरे रूम में शायद होगी भी

वो क्या कहलाता है रेंज कहलाता है और उससे क्या समझ में आता है कि भैया यहां से यहां तक डेटा में वैल्यूज ऑब्जर्वेशन लाइक कर रहे हैं रेंज क्या बताता है भैया ये समझा देता है कि जो डेटा डेटा है है जैसे यहां हाइट हाइट का था फुट फुट इंच इंच से लेकर 4 foot, 5 तक आ रही भैया ऑब्जर्वेशन है यहां पर समझ में आ रहा था रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रही है बातें बढ़िया भैया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों आप लोग जब बड़े बड़े हो जाओगे आप लोग को अभी बहुत कम बातें पता होंगी कि क्या क्या करियर ऑप्शंस होता है एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन होता है स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है सबसे पहले इसमें होता है कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा को कलेक्ट करना उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भैया डेटा कलेक्ट कर लिया डेटा कलेक्ट कर लिया मतलब क्या अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा अजीब सा ठीक है कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करा हुआ है कैसा लग रहा है ये पढ़ने में मुश्किल सा नहीं लग रहा कि ये क्या दिया हुआ है, है ना तो ये डेटा को तो अभी कलेक्ट तो ये कच्चा डेटा है ठीक है फिर मैं क्या करूंगा भैया ताकि डेटा अच्छा दिखे भारी सा नहीं दिखे जैसा अभी दिख रहा था उसको मैं क्या करूंगा प्रेजेंट है उस डेटा को, करा, 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 मतलब को पढ़ा उस डेटा से क्या बातें मुझे समझ में आ रही है क्या चल रहा है मार्केट में समझ में आ रहा है और उसको एनालाइज करा और फिर डिसीजन लिए बड़े हो जाओगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे बड़ी बड़ी कंपनियां संभालोगे ठीक है कैसे जमानोगे जो मार्केट में चल रहा है पहले इंफॉर्मेशन गैदर करोगे पहले डेटा गैदर करोगे उस डेटा को कलेक्ट करोगे प्रेजेंट करोगे उस डेटा को समझोगे और फिर कुछ डिसीजन बड़े, बड़े। हो रहा है स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बहुत अच्छे भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो दोस्तों मान लो

तो 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 फ्रीक्वेंसी क्या होता है मान लो 60 केजी एक ऑब्जर्वेशन है 60 केजी इज आवर इज आवर ऑब्जर्वेशंस 60 वेट कितने लोगों का है 60 वेट कितने लोगों का है वो कितना वो कितना इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितना इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस 60 केजी वेट वैसे इसको वेट बोलते नहीं इसको मास बोलते हैं बट एनीवे anyway, फिलहाल आप वेट बोलोगे आप वैसे समझते हो ठीक है

नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स वो चालीस अक्कर कर रहा है हमारे डेटा में ठीक है वो नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, है उसके बारे में भी समझेंगे। भैया, भैया? जैसे कि मैंने बताया। given below क्या है given below नीचे इसलिए झुक जाता हूं क्योंकि मेरी हाइट काफी लंबी आप लोग को नहीं दिखेगा ठीक हाँ तो है भैया कुछ लोगों के मार्क्स दिए हुए कितने बीस लोगों के लोगों तो के मार्क्स किसी किसी दिए हुए इन मैथमेटिक्स केवेंटी फिफ्टी सिक्स कितने अजीब तरीके से लिखा हुआ है ये ना ये तो कच्चा डेटा हुआ ना अब इससे काम ही नहीं हुआ है क्या बोला क्वेश्चन में अरेज द अब असेंडिंग ऑर्डर

तो जल्दी से मैंने क्या लिखा चौदह यहां पर ठीक है समझ में आ रही है बातें क्या बात है चौदह चौदह के बाद क्या आएगा दोस्तों आप लोग करो खुद से वीडियो को पॉज कर लो मैं चुप जाता हूं है ना वीडियो को पॉज करो अब करो फिर चेक कर लेना जो मैं कर रहा हूं उससे फोर्टीन के बाद आएगा दोस्तों ट्वेंटी थ्री ऐसे सर्कल बना लेना ताकि समझ में आए कि भैया ट्वेंटी थ्री ले चुके हैं बढ़िया ट्वेंटी थ्री के बाद क्या आएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री कुछ थर्टी में नंबर आ सकता है थर्टी फाइव हाँ थर्टी फाइव भी दिख रहा है ट्वेंटी थ्री के बाद आएगा थर्टी फाइव दोस्तों करो 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 ठीक है थर्टी फाइव थर्टी फाइव के बाद क्या आएगा फोर्टी टू दिख रहा है फोर्टी भी दिख रहा है तो फोर्टी आ सकता है पहले फोर्टी फिर फोर्टी टू क्या बात है दोस्तों तो फोर्टी टू हो गया फोर्टी हो गया फोर्टी टू के बाद क्या आ सकता है भैया फोर्टी टू के बाद फिफ्टी की लाइन में कुछ दिख रहा है फिफ्टी वन क्या बात है तो फिफ्टी वन फिफ्टी वन लिख दिया फिफ्टी वन भी हो गया सर्कल बना दो फिफ्टी वन के बाद दोस्तों आएगा फिफ्टी सिक्स कहीं फिफ्टी सिक्स फिर 58, 56, 58 क्या बात है भैया 56, 58 दोनों हो गए ना कुछ भूला मैं मैं 49 को भूल गया गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहां पे 49 ऐड कर देते ऊपर ठीक है ये 49 ऐड कर दिया ठीक है बा चलो बढ़िया 49 के बाद क्या आएगा हाँ फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स के बाद कुछ सिक्सटी की लाइन में सिक्सटी वन सिक्सटी दो बार सिक्सटी वन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री यहां पर लिखते हैं थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री के बाद सिक्सटी सिक्स बढ़िया सिक्सटी सिक्स के बाद सिक्सटी नाइन या वगैरह कहीं दिख रहा है नहीं नहीं में फिर सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव अरे सेवेंटी भी है तो सेवनटी सेवनटी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव क्या बात है भैया तीनों को मैंने मार्क कर दिया क्या बचा एट्टी फोर एट्टी सेवन नाइनटी टू एट्टी फोर नहीं सर एट्टी भी है सर तो 80 84 पहले है ना 80 84 80 हो गया 84 को मैंने मार्क कर दिया 87 फिर 92 87 फिर 92 भाई साहब थक गए भैया थक गए कैसा डेटा था भाई इसलिए डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि इतनी मेहनत ना करना पड़े सीखोगे वो भी धीरे धीरे anyway, एनीवे मैंने डेटा को जो बोला था कर लिया है ना अभी छोटे हम लोग The lowest marks obtained, अब क्या क्या सर वो तो तो ही देख के बता देते सबसे कम इसके जाहिर सी बात है भैया। कितने The lowest marks obtained is 14. तो इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से यहां पर लिख देते हैं क्या बात है? ऐसा नहीं करते इसको बस ऐसे लिख देते हाइएस्ट मार्क्स ऑफटेन नाइनटी टू नाइनटी टू यहां पर लिख दो क्या बात है फिर क्या बोल रहे हैं द रेंज ऑफ द गिवन डेटा रेंज मतलब क्या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट क्या है भैया 92 टू माइनस फोर्टीन तो 92 टू माइनस फोर्टीन आप लोग कर लेना कर दूं क्या कर देता हूं 92 में से 10 गया 82 82 में से 4 गया 78 तो रेंज ऑफ द डेटा क्या है 78 समझ में आ रही है बातें बढ़िया ये हो गया क्वेश्चन अगला वाला आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं करना है ठीक है थोड़ा बहुत बता देता हूं, हूं, हूं बातें करी उनसे कुछ information collect करी एंड फाइंड आउट दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली क्या बातें करी क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी पता करा कि उन 20 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन है कितने बच्चे हैं ना लेट द ऑब्जर्वेशन भी बच्चे कितने मेरे भैया किसी में दो किसी में दो किसी में तीन किसी में एक किसी में एक किसी में दो किसी में तीन समझ में आ रहा होगा किसी में दो बच्चे हैं किसी में तीन बच्चे हैं किसी में एक ही बच्चा है दो बच्चे ही सही होते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं तो मजाक करो सरकार बोलती है एनीवे anyway, भाई है ना हाँ तो ये आप समझिए होगी क्या डेटा कलेक्ट कर करा गया ठीक है ठीके? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में दोस्तों स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे जो डेटा मैंने color करा टू एक ऑब्जर्वेशन है वन एक ऑब्जर्वेशन है थ्री एक ऑब्जर्वेशन है किसी के पास एक भी बच्चा नहीं होगा तो जीरो भी एक ऑब्जर्वेशन हुआ ठीक है जरा देख लेते हैं यहाँ पे जीरो तो ऑब्जर्वेशन नहीं दी नहीं दिख रहा मुझे किसी के पास एक दिख रहा है तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया दो दिख रहा है तो दो भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया तीन भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं चलो मैं कर ही देता हूं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जरा दिख रहा यहाँ पे मैंने टेबल बनाई ठीक बा अब जल्दी से यहाँ पे मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ठीक है ऑब्जर्वेशन क्या है भैया किसी के में दो थे किसी के में तीन किसी के में एक समझ में आ रही है बातें अब हमसे क्या बोला है दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या बोला है हमसे फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी मतलब इसको हम ब्लू से लिखते हैं अच्छा लगेगा शायद हाँ तो स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन हमें यह बताना है कि दो कितनी बार आ रहा है डेटा में तीन कितनी बार आ रहा है डेटा में एक कितनी बार आ रहा है वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी होता मैंने आपको बता दिया तो दो कितनी बार आ रहा है एक दो बढ़िया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस बार आ रहा है दो। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? यहां पे आप ऐसे लिख ना। फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी। अच्छी राइटिंग में लिखें क्या चलो अच्छी राइटिंग में लिखते मतलब कोशिश करते भैया पता नहीं अच्छी राइटिंग आएगी कि नहीं आएगी फ्रीक्वेंसी

डिवाइडा इंटू फाइव ग्रुप अब ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या होता है मैं आप को समझाता हूँ कभी कभी क्या होता है ना डेटा बहुत बड़ा हो जाता है और होता है डेटा बड़ा जरूरी नहीं कि किसी क्लास में चालीस स्टूडेंट्स हो हो सकता है सौ स्टूडेंट्स हो हो सकते दो सौ स्टूडेंट्स हो तो फिर कैसे लिखेंगे भैया थक जाएंगे ऑब्जर्वेशन लिख लिख के समझ में आ रहा है ऐसे केस में क्या करते हैं डेटा की ग्रुपिंग क्या करते हैं डेटा की ग्रुपिंग तो बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाए ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाते हैं मैं बताता हूं कहने का मतलब क्या है तो ये चालीस स्टूडेंट्स के दोस्तों मार्क्स दिए हुए अब ये क्या लिखा हुआ है? ये एक हिंट लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे उसको से फाइव से फाइव मतलब से फाइव मतलब के बीच में मार्क्स फाइव से टेन मतलब से टेन के बीच में मार्क्स टेन से फिफ्टीन मतलब क्या टेन से फिफ्टीन के बीच में मार्क्स फिफ्टीन से ट्वेंटी मतलब पंद्रह से बीस के बीच में मार्क्स बीस से पच्चीस मतलब बीस से पच्चीस के बीच में मार्क्स समझ में आ रही है क्लियर हो रही बातें बढ़िया पांच ग्रुप्स हो गए एक दो तीन चार और पांच और पांच ग्रुप्स में डिवाइड करने को बोला था ये लोग थोड़ा बहुत अपनी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली ना तो कहने का मतलब क्या दोस्तों अब मैं क्या करता भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन लिखो फिर से बोल देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन लिखो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो ऑब्जर्वेशन लिखो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा यहां पे भी यही करना है यहां पे दिक्कत ये है दोस्तों बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है तो पहले सिक्सटीन लिखा किसी के पास सिक्सटीन आए होंगे फिर देखा कि कितने लोग सिक्सटीन आए उसको यहां पे लिखा फ्रीक्वेंसी फिर यहां पे पंद्रह मार्क्स लिखे फिर देखा कि कितने लोगों पंद्रह मार्क्स आए फिर यहां लिखा फिर ऐसे बीस के साथ करा तीस के साथ करा पच्चीस के साथ करा दस के साथ करा सबके साथ अलग अलग करा इसकी जगह क्या करा आसान बना ग्रुपिंग कर दी मैंने एक सिंगल एक इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देखा मैंने एक रेंज में मार्क्स देखा जीरो से पांच कितने लोगों के मार्क्स आए पांच से दस कितने लोगों के मार्क्स आए दस से पंद्रह कितने लोगों के मार्क्स आए पंद्रह से बीस कितने लोगों के मार्क्स आए समझ में आ रहा है अब मैं देखो डर टेबल बनाता हूं आप लोग के लिए प्लस बैग चलो यहीं पे बनाते हैं ग्रीन से ही कर देते हैं ना जरा देखिएगा देखिएगा ब्लैक ब्लैक क्या बात है ये मैंने टेबल ऐसे बना लिया छोटा ही बना देते ज्यादा बड़ा की जरूरत पड़ेगी नहीं बढ़िया यार अब देखना भैया मैंने क्या करा भैया एक लाइन खींची सबसे पहले डेटा में कि मैंने इसे लाइन खींच दी ठीक है क्या बात है अब मैंने यहां पे क्या लिखा यहां पे मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन क्या लिखा ऑब्जर्वेशन है ना ऑब्जर्व लिख सकते समझ में आ रहा है या फिर क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हो ये जो ग्रुपिंग होती है ना इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं ठीक है चलो इसको क्लास इंटरवल लिखते हैं बेहतर लगेगा क्लास इंटरवल ठीक है भैया यहां पे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी बढ़िया ठीक है डेटा क्या है यहां पर पंद्रह नहीं लिखेंगे सोलह नहीं लिखेंगे बल्कि ग्रुपिंग कर दिए क्या कर दिए ग्रुपिंग कैसे करिए भैया जीरो से पांच बहुत ध्यान से समझना इस इन चीजों को बहुत ध्यान से आ, ब्लैक से करते हैं अरे हट जा जीरो से पांच फिर पांच से दस फिर दस से पंद्रह फिर पंद्रह से बीस फिर बीस से पच्चीस इनको हम लोग क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं ठीक है क्लास इंटरवल्स ठीक है तो जीरो से पांच के बीच में कितने लोग के मार्क्स आए जरा देख लेते हैं तो जीरो से पांच ये दोनों तो नहीं है ये वाला है एक व्हाइट से कर लेते तो, जल्दी जल्दी है ना एक भैया तीन जीरो से पांच में सर जीरो और पांच को इंक्लूड करेंगे याद रखो याद रखो जीरो से पांच का मतलब होता है यहां पे लिखा भी होगा से का मतलब क्या हम तो इंक्लूड करेंगे लेकिन पांच को इंक्लूड नहीं करेंगे हम जीरो इंक्लूड करेंगे लेकिन हम पांच को इंक्लूड नहीं करेंगे तो सर पांच को कहा इंक्लूड करेंगे पांच को पांच से दस वाले में इंक्लूड करेंगे मैं फिर से बता देता हूं यहां पर जरा देखना यहां पर जितने भी लिखा हुआ है जीरो से पांच मतलब क्या हम इन वाले साइड्स को इंक्लूड करने वाले इस वाले साइड को इंक्लूड नहीं करने वाले समझ में आ रहे जीरो से, से पांच में हम जीरो को इंक्लूड करेंगे पांच को नहीं करेंगे क्योंकि पांच को अगले वाले में इंक्लूड कर लेंगे वैसे पांच से दस में पांच को इंक्लूड करेंगे लेकिन दस को अगले वाले में इंक्लूड कर लेंगे मैं बताता हूं क्या बोल रहा हूं कितने हो गए भैया एक दो तीन पांच को नहीं करे पांच को अगले वाले में करेंगे तीन हो गए पांच को नहीं करेंगे चार हो गए पांच हो गए जीरो को करेंगे ठीक है चार पांच और क्या बचा भैया एक और कितने हो गए एक दो तीन चार पांच बढ़िया मैंने क्या कर दिया भैया यहां पे क्या लिख दिया यहां पे मैंने लिख दिया समझ में आ रहा है इसको भी ब्लैक से लिखते हैं बेहतर दिखेगा यहां पे लिख दिया समझ में आ रहा जीरो से पांच के बीच में क्या लोगों के मार्क्स समझ में आ रहा है अब मैं अलग अलग लिखता पहले जीरो कितने लोगों के हैं, फिर एक कितने लोगों के हैं, फिर दो मार्क्स मार्क ता लिखने की जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी जीरो से पांच की एक साथ फ्रीक्वेंसी लिखो पांच से दस की एक साथ फ्रीक्वेंसी लिखो आई होप आप को बातें समझ में आ गई होंगी अब मैं फटाफट आपका पूरा काम कर देता हूं बढ़िया भैया तो ये तो हो गया जीरो से फाइव का हो गया है ना अब क्या बचा फाइव टू टेन देखना तो फाइव टू टेन में टेन को इंक्लूड करना है क्या नहीं सर बाद भैया दो इंक्लूड करना है फाइव टू टेन में एट आ जाएगा सिक्स आ जाएगा एट आ जाएगा फाइव को इंक्लूड करना है फाइव को इंक्लूड करना है सेवन और नाइन फाइव और टेन के बीच में आ जाएगा टेन को इंक्लूड करना है क्या नहीं करना कितने हो गए भैया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो पांच से दस के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आ रहे हैं दस लोगों के मार्क्स आ रहे हैं समझ में आ रही हैं बातें आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं अपने क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं अपने क्लास इंटरवल की दस से पंद्रह देख लेते हैं भैया हम सबको मिनटा के दस से पंद्रह देख लेते हैं जल्दी से दस से पंद्रह दस से पंद्रह दस से पंद्रह भैया कहां दिया हुआ है दस से पंद्रह दस से पंद्रह में दस से पंद्रह में दस से पंद्रह में ये भी नहीं आएगा ये आ जाएगा ठीक है ये दस से पंद्रह में दस को इंक्लूड कर लेंगे पंद्रह को नहीं करेंगे दस को कर लेंगे है ना दस से पंद्रह में ये आ जाएगा दस से पंद्रह में दस से पंद्रह में ये आ जाएगा पंद्रह को करेंगे क्या नहीं, नहीं 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 गलती नहीं करना पंद्रह को नहीं करेंगे इसमें मिटा दिया मैंने ना दस से पंद्रह में उन्नीस भी नहीं आएगा दस से पंद्रह में सोलह आ जाएगा कि नहीं आएगा दस से पंद्रह में दस से पंद्रह में बारह आ जाएगा दस से पंद्रह में बारह आ जाएगा दस से पंद्रह में भाई बारह आ जाएगा है ना समझ में आ रहा है दस से पंद्रह में दस आ जाएगा दस से पंद्रह में और कुछ नहीं आ रहा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस से पंद्रह में कितने आ आ गए आ गए आई होप आप को बातें समझ में आ रही होंगी यही करना था इस क्वेश्चन में ठीक है इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को पूरा रीड कर देता हूं क्या लिखे भैया जीरो से पांच का मतलब बताया गया कि जीरो से पांच का मतलब क्या है मींस मार्क्स ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मैंने क्या बोला जीरो को इंक्लूड करेंगे पांच को इंक्लूड नहीं करेंगे तो जीरो से पांच का मतलब क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाले मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाले मार्क्स या फिर या फिर लेस देन फाइव जैसा कि मैंने कहा एंड सिमिलरली फाइव टू टेन का मतलब क्या होगा सर ग्रेटर पांच से ज्यादा या फिर पांच के बराबर और दस से कम दस से पंद्रह का मतलब क्या होगा दस से ज्यादा या दस से कम या पंद्रह से सॉरी दस से ज्यादा या फिर दस के बराबर या फिर पंद्रह से कम आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। बस यही कहना चाह रहा हूं कि क्लास इंटरवल में उस साइड वाले को इंक्लूड करते हैं इस साइड वाले को इंक्लूड नहीं करते ठीक क्लियर है आगे का काम आप लोग करोगे आपको पूरा काम करके देना है बस इसका दो लिख लेना है क्लियर है बातें ये होता है भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑब्जर्वेशन के बगल में उसका फ्रीक्वेंसी लिख देना ऑब्जर्वेशन के बगल में उसका फ्रीक्वेंसी लिख देना क्लियर है अब देखो ना ये डेटा कितना अजीब सा लग रहा था दोस्तों कितना अजीब सा लग रहा था लेकिन जब इसको एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करा टैबुलर समझते हो ना टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करा इसको तो टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा देखो कितना सही लग रहा है अब यहां से समझ में आ रहा रहा है है तो बहुत आसान बन काम कि हाँ, जीरो से पांच मार्क्स आए होंगे छह लोगों के बात से दस के बीच में मार्क्स आए होंगे दस लोगों के दस से पंद्रह के बीच में मार्क्स आए होंगे आठ लोगों के क्लियर हो रही बाते, तो है बातें उससे तो आसानी है इसलिए डेटा को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है ये आप लोग करके दिखाओगे मेरे को क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया The weights of 35 persons are given below. 35, 35 लोगों का वेट कलेक्ट करा गया। वेट ऐसे लिख दिया भाई, है ना? अजीबोगरीब तरीकों से। Prepare a frequency distribution table.

लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू क्लास साइज आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी अरे डब्बा बन जाइए प्लीज ठीक है समझ में आ रही है चीजें बढ़िया यार ये तो ये तो होता है क्लास साइज अब यहां पे क्या बोल रहे क्वेश्चन में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इक्वल क्लास साइज लेके मतलब क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो पहले में डिफरेंस होगा वो दूसरे में भी होना चाहिए यहां पे देखो ना आप जीरो से पांच डिफरेंस कितना पांच माइनस पांच पांच पंद्रह माइनस दस पांच बीस माइनस पंद्रह ऐसा ग्रुपिंग करना है कि क्लास साइज सेम रहे वन सच क्लास साइजेस उन लोगों ने एक क्लास साइज आपको के लिए दे दिया फोर्टी टू फिफ्टी क्या दे दिया फोर्टी टू फिफ्टी अब आप क्या लिख सकते हो फिफ्टी से फिफ्टी फाइव समझ में आ रहा है फिफ्टी फाइव से सिक्सटी वेट्स कितने लोगों का है 60 से 65 वेट कितने लोग का है 65 से 70 कितने लोग का है ये यह आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा आप लोग को खुद समझना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे छोटा मुझे दिख रहा है गलत हूं तो माफ कर देना लेकिन मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मुझे 42 दिख रहा है क्या दिख रहा है 42 तो आप सबसे पहला क्लास साइज क्या लिख सकते हो आप सबसे पहला ले सकते हो 40 से 42 सॉरी 40 इज नहीं 40 से 45 5 का डिफरेंस लेंगे ठीक है फिर 45 से फिफ्टी फिर फिफ्टी से फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव से सिक्सटी ऐसा आप ले सकते हो और यहां पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दी चीज लिख लेना अब 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 है तुतला तो रहा हूं अब हम आ जाते हैं ग्राफ्स में ग्राफ्स क्या होते हैं अब ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स

चलो तो भी बताया हूँ रेक्टांगल अगर ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली तो उसको उसके बोलूंगा ठीक है ठीक है लेकिन अगर को मैं ऐसे खड़ा कर दूं ठीक है उस केस में उसको मैं हाइट बोलूंगा उसी लेंथ को मैं हाइट बोलूंगा उसी लेंथ को मैं हाइट बोलूंगा समझ में आ रही है बातें क्या बात है तो बायोग्राफ दोस्तों इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा डेटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स उन रेक्टेंगल्स को हम लोग बार्स भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बार्स भी बोल सकते हैं बढ़िया ऑफ इक्वल विट रेक्टेंगल की विथ इक्वल होनी चाहिए लेकिन हाइट वेरी कर सकती है हाइट कुछ भी हो सकती है या फिर लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन विथ इक्वल होना चाहिए बताऊंगा क्या दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन रेक्टेंगल्स को हम लोग लेटा हुआ भी बना सकते हैं और खड़ा हुआ भी बना सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं वर्टिकली भी बना सकते हैं ठीक है कीपिंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम उन रेक्टेंगल्स के बीच में होना होना चाहिए। चाहिए। के बीच में और जो जो मैंने क्या बोला? जो है उसकी width, उसकी breadth सेम उसकी उसकी रहेगी। लेकिन या फिर उसकी height चेंज हो सकती है ठीक है तो कह पे डिपेंड करती है वो डेटा पे डिपेंड करती है वो data पे करती है। अब आ जाते हैं फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं क्या करना है? हम लोग बार ग्राफ बनाना है मार्क्स ऑप्टेन बाय तन्वी तन्वी इनर एनुअल एग्जामिनेशन आर शोन बिलो कोई लड़की है जिसका नाम है तनवी उसके मार्क्स दिए हुए इंग्लिश में उसके 54 आए मैथमेटिक्स में 82 आए हिंदी में 63 आए सोशल स्टडीज में 38 आए साइंस में 70 आए बहुत वेरी वेरी गुड जॉब भाई तनवी है ना काफी 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 शानदार मार्क्स है सर ये शानदार मार्क्स है क्या अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है चलता है धीर धीर ऐसा है ना धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं क्या बात है ड्रो टू रिप्रेजेंट दी अब ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये तो ये काफी सही है इसको और आसान कैसे बनाया जाता है कुछ बारग्राफ बना के समझाता हूं कैसे जरा देखना है ना मैं क्या करूंगा मैंने ग्राफ निकाला ये देखो ग्राफ निकला हुआ। आप लोग के पास हरा पेपर होगा अब मैं क्या करूंगा ग्राफ में दो एक्सेस बनाऊंगा एक हॉरिजोंटल एक्सेस

अब मैं क्या करूंगा दोनों एक्सिस में क्या लिखूंगा क्योंकि तो दो वेरिएबल से भैया एक सब्जेक्ट एक एक्सिस में सब्जेक्ट डाल दूंगा एक एक्सिस में मार्क्स डाल दूंगा एक एक्सिस में सब्जेक्ट डाल दूंगा एक एक्सिस में मार्क्स डाल दूंगा ठीक है तो सब्जेक्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स हिंदी बाद में देखते हैं मार्क्स कैसे हैं दोस्तों 54, 82, 63, 38, 70। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई यहां पे यहां पे या तो मैं ऐसा कर लू भैया इसको एक फिर इसको दो फिर इसको तीन फिर इसको चार फिर इसको पांच ऐसे चलता जाऊंगा तो शायद यहां पर कहीं पे बारह पे रुक जाएगा तो बारह पे रुक गया भैया तनवी के मार्क्स तो टू तक जा रहे हैं तनवी ने तो बहुत तावर तोड़ परफॉर्मेंस दी है समझ मारा है। तो अगर मैं एक एक करके डिस्टेंस लेता हूं एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेता हूं तो तुमको लगता है क्या कि मार्क्स आ जाएंगे तनवी के यहां पे अरे नहीं प्लॉट कर पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे कि तनवी के कितने मार्क्स आए तो ऐसे केस में स्केल सही यूज करना बहुत जरूरी स्केल मतलब वो बनाने वाला स्केल की बात नहीं कर रहा स्केल मतलब ये एक यूनिट को आप मान क्या रहे हो ये एक यूनिट को आप मान क्या रहे हो एक डब्बे को आप मान क्या रहे हो ठीक है तो भैया एट्टी तक जा रहे हैं मार्क्स एट्टी तक जा रहे हैं। 5 -5 का डिफरेंस भी लूंगा तो मेरे ख्याल से बोर्ड में नहीं आएगा आपकी कॉपी में आ रहा तो आप 5 -5 का ले सकते हो मैं क्या कर रहा इसको यहां पे थर्टी इसको यहां पे फोर्टी इसको यहां पे फिफ्टी इसको यहां पे सिक्सटी इसको यहां पे सेवेंटी इसको यहाँ पे एट्टी इसको यहाँ पे एट्टी टू एट्टी टू क्यों लिख दिया भाई 90 आएगा ना

तो लो इतना ही ले लेते हैं नहीं इतना लेते मेरे से ज्यादा अच्छा लगेगा छोटा ले लेते हैं, तो है ले हैं बोर्ड छोटा है तो फिर इसको यहां से नहीं इसको यहां से लेते हैं तो 54, कुछ यहां पे आ जाएगा मेरे ख्याल से 50 और 60 के बीच में ये आ गया फिफ्टी एक रेक्टेंगल बना जिसकी कुछ फिट है हाइट क्या है डिपेंड्स ऑन दी डेटा 54 इसकी हाइट है 54 सर हाइट सर लेंथ नहीं अरे खड़ा हुआ रेक्टेंगल है तो लेंथ को मैंने हाइट बोल दिया कंफ्यूजिया मत ठीक है क्या बात है दोस्तों आगे चलते हैं भैया ये ब्लू से ही करा है मैंने इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ क्या इसको मैं कलर चेंज करके येल्लो कर, कर देता हैं बहुत अच्छे येल्लो कलर अच्छा लग रहा है मेरे को ठीक है भाई हाँ अब क्या भैया तनवी के इंग्लिश के मार्क्स तो हो गए मैथमेटिक्स में एट्टी मैथ्स में सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस दिया भाई तनवी में एनी anyway, वे हाँ तो ये क्या हो गया भैया भैया आप प्लीज हट जाइए हाँ डब्बे में अब क्या भैया 82 टू यहाँ पे रखा 82 82 तो 82 के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा एट्टी टू कुछ ऐसा आ जाएगा समझ में आ रहा तो है, मतलब है यही कह रहा था बार ग्राफ इसको हम लोग बार्स भी बोल सकते हैं बार्स की हाइट चेंज हो रही है लेकिन विड्थ उतनी ही रखना विड्थ उतनी ही रखना समझ में आ रहा है ये जितना है उतना ही ये होना चाहिए ठीक है आगे चलते भैया तनवी के मार्क्स इसमें देख ले भैया ये तो आगे ही चलेगा अगले क्वेश्चन हिंदी में 63 मैं एक ही करके दिखाऊंगा ध्यान से समझ लो हिंदी में 63 तो 63 के लिए यहां पे 63 ऐसा आ जाएगा 63 कुछ कुछ यहां पे आ जाएगा क्लियर है बातें समझ में आ रही है ठीक है अब देखो एक और कंडीशन लगाई थी बारग्राफ में कि भैया वेट तो, तो सेम होनी चाहिए इक्वल स्पेस भी होना चाहिए रेक्टेंगल्स के बीच में यहां पे दो यूनिट्स का डिस्टेंस है तो यहां पे भी दो का डिस्टेंस है यहां पे भी दो रख के ही दूसरा रेक्टेंगल या दूसरा बार बनेगा आगे देखते हैं कितने मार्क्स हो गए भैया फिर से बहुत आगे चले गए सोशल स्टडीज थर्टी एट बहुत कम मार्क्स है सोशल स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं है टीचर लगता है चेंज करना पड़ेगा तो भैया थर्टी एट थर्टी एट थर्टी एट कुछ इधर आ जाएगा बातें कुछ इधर उधर हो जाए तो दोस्तों माफ कर देना ठीक है थर्टी एट हो गया है ना मेरा बस मकसद ये है कि आप लोगों को मैं समझा पाऊं साइंस में दोस्तों सेवेंटी फटाक से यहां पे क्या बना बनाया सेवेंटी 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 एग्जैक्टली तो आप ऐसे भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो बस यहां पर क्या लिख देना यहां पर ऐसा आप लिख दो ये किसके मार्क्स है इंग्लिश के थे जल्दी से देख लेते हैं इंग्लिश मैथ्स हिंदी सोशल इंग्लिश मैथ्स हिंदी सोशल में तो लग गई है वार्ट और ये थे साइंस सबसे तगड़ा मैथ्स में स्कोर करा गया है तो ये भी एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का इससे और आसान हो जाती है चीजें कैसे हो जाती है, मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि बार ग्राफ कैसे बनाना है इंपॉर्टेंट क्या है रेक्टेंगल की विथ सेम होनी चाहिए दोस्तों हाइट तो डिपेंड करेगी डेटा पर रेक्टेंगल्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या लेना है आपको समझ में आना चाहिए दिमाग में बैठना चाहिए अगर आप यहां पे एक यूनिट को वन ही मान लेते एक यूनिट को अगर आप एक मार्क्स मान लेते तो काम बिगड़ जाता मैंने एक यूनिट को दस मार्क्स माना है यहां पर आप स्केल भी लिख सकते हो वैसे ऐसे स्केल भी आप यहां पर लिख सकते हो लिखा जाता है वैसे इसके मार्क्स होते हैं स्केल इज इक्वल टू वन यूनिट रिप्रेजेंट कितना टेन मार्क्स वन यूनिट रिप्रेजेंट कितना टेन मार्क्स समझ में आ रही है बातें ये हो गया अपना स्केल की बातें बढ़िया आगे चले एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग फाइव कॉन्सिक्यूटिव वीक्स इज गिवन बिलो एक फैक्ट्री है वहां पे स्कूटर्स बनाई जा रही है स्कूटर्स को प्रोडक्शन स्कूटर्स का प्रोडक्शन करा जा रहा है पहले वीक में फर्स्ट वीक में बत्तीस सौ स्कूटर्स बनाई गई दूसरे वीक में दूसरे हफ्ते में भाई 5200 स्कूटर्स तीसरे में इतनी चौथे में इतनी फिफ्थ में इतनी डेटा बहुत बड़ा हो गया फिर स्केल लोगे वो क्या लोगे स्केल आप कुछ हजार के उसमें ले सकते हो या पांच सौ के उसमें ले सकते पांच सौ हजार पंद्रह सौ दो हजार

कर लोगे ना भाई आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना अभी बताया मैंने अरे कर लेना भैया ना, ना कराना बढ़िया तो आप एक एक्सिस में वाई एक्सिस में आप क्या मार्क कर लेना भैया नंबर ऑफ स्कूटर्स और एक्स एक्सिस में क्या मार्क कर लेना वीक कौन सा वीक फर्स्ट वीक में तबड़ा रेक्टेंगल सेकंड वीक में थर्ड वीक में तबड़ा रेक्टेंगल फोर्थ वीक में रेक्टेंगल ऐसे ठीक है आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं प्लीज करके दिखाना ये ग्राफ मैंने उसी के लिए छोड़ा हुआ था एनी anyway, वे अब बार ग्राफ is given below. अब एक और क्वेश्चन है अब क्या क्या करना है अभी क्या बोल रहे थे डेटा दिया था बार बार बोल रहे थे अब क्या बोल रहे बायोग्राफ दे रहे हैं बारग्राफ दे, बार दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं बारग्राफ देख लूंगा अभी मैं पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं रीड द बारग्राफ केयरफुल एंड आंसर द्वेश्चन गिवन बिलो ट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाई बारग्राफ बारग्राफ क्या इंफॉर्मेशन बता रहे जल्दी से देखिए इन मिलियन टन टोड्यूस करी जाती है सब चीजें ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ है इयर्स कौन से साल में बेसिकली तो बारोग्राफ क्या बता रहे भैया इस साल में इतने फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए इस साल में इतने फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए 2012 में इतने सारे फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए 2013 में इतने फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए 2014 में इतने फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए तो कितना आसान है बारग्राफ देख रहा हूं मेरे दिमाग में क्लियर हो रहा है कितना आसान है कि दो हजार बारह में इतना हुआ दो हजार तेरह में इतना हुआ तो देखो ना रीड करना पढ़ना समझना कितना आसान है इसलिए डेटा को रिप्रेजेंट करना प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है ताकि उसको बहुत आसानी से मैं रीड कर सकूं सो दैट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड ठीक है बढ़िया तो बस ये दिया हुआ डेटा में क्या बता रहे हैं भैया नंबर ऑफ सॉरी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन मिलियन टन इन ईयर यहां आप क्या लिख सकते हैं भैया वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय दोग्राफ आप क्या लिख सकते हो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इन द रिस्पेक्टिव ईयर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इन द रिस्पेक्टिव ईयर यहां पे आप क्या लिख सकते हो मैं इसको लिख देता हूं चलो आप लोग के लिए फर्स्ट वाले का आंसर है ना ऐसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द रिस्पेक्टिव Tears. क्या बात है शायद मैथ्स में इतनी बड़ी लाइन मैंने पहली बार लिखी होगी एनी anyway यार राइटिंग इधर तो था था करेंगे करेंगे जो नहीं आता है, तो अगला क्या दे रहे है, है? कौन से साल में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा था मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा बहुत आसान है बारग्राफ की मदद से 2012 2012 तो यहां पे क्या लिख दो? दो हजार बारह

डिक्लाइन कहां कहां पे हो है भैया ये है बड़ा डिक्लाइन हुआ दो तो कुछ, कुछ का लेकिन फिर तेरह में कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ पचास मिलियन टन एकदम आधा हो गया बस तो यही पूछा है, कौन से साल के बाद आप क्या लिखोगे यहां पर दो आई बारह आए हुए बातें समझ में आ रही होंगी दो के बाद दोस्तों प्रोडक्शन बहुत कम हो गया एकदम से ठीक है

सबसे कम काम हो रहा है सर 2013 में है ना ये थोड़ा सा ऊपर है सर 2013 में तो जो 2013 में कितना हो रहा है देख लेते हैं 2013 में हो रहा है सर 50 मिलियन टन कितना 50 मिलियन टन अब यहां से देख सकते हो कितना हो रहा है 50 मिलियन टन ठीक है 2012 में कितना हो रहा है 100 मिलियन टन तो रेशियो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 100 50 अपॉन 100 यहां पे आप लिख सकते हो इसका आंसर लिख देता हूं मैं मिनिमम पहले लिखना है ना अपॉन मिलियन मिलियन क्या क्या आ आ जाएगा? से 0 कटा, वन 5 जा, 5 जा, जा टू टू बोल रहा हूं. Is 2, 2. तो रेशो क्या आ गया एक, is 2, 2. I hope आप को बातें क्लियर हो रही होंगी बबुआ चलो बहुत अच्छे यार सारे क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा देख लीजिए क्या हैं भैया डेटा में कुछ गिवन बिलो क्या बात है कुछ समझ में आ रहा है डेटा क्या बता रहा है मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स मैं हिंदी में कितने भैया कुछ पचास से साठ के बीच में मैथमेटिक्स uh, में कितने भैया अरे अस्सी मार्क्स हैं क्या बात है भैया मैथ्स में बच्चे होशियार हो रहे हैं आई होप आपके भी तगड़े मार्क्स आए और नहीं आए तो हम है ना बाद में मदद करेंगे कभी ना कभी तो आएंगे भैया तो ये डेटा दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से तो आप लोग को आंसर करना है एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे चैप्टर बहुत आसान है बहुत आसान है प्लीज कर लेना है स्टूडेंट वेरी पुअर स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पुअर है जिसमें कम मार्क्स आए होंगे उसी में पुअर है ना कोई दिक्कत नहीं है पुअर होने में भी लेकिन एनी anyway, वे आप समझ गए क्या पूछ रहे हैं डेटा में मैं जानता हूं आप लोग आंसर कर दोगे इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ पाई चार्ट

सर्कल का सेक्टर ये क्या होता है अरे बता देते पिज्जा होता है गोल ये तो स्क्वायर बन रहा था पिज्जा होता है गोल होता है कि नहीं गोल सर्कल भी होता है गोल ठीक ये ये है है ये ये ऐसा शेप। ये 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 जो वाला शेप शेप होता ऐसा कुछ ऐसा शेप इसको मैं आपको ग्रीन कलर से भी दिखा देता हूं ये वाला शेप ये दो रेडियस और ये वाला ठीक है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं शेप को हम क्या बोलते हैं सेक्टर वैसे ये वाला भी अगर ऐसे बनाऊं तो आप देखो ये भी एक सेक्टर होगा ये इस शेप को भी हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोल सकते हैं सर्कल से ही बना हुआ है भैया इस शेप को हम लोग सेक्टर बोल सकते हैं बेसिकली सेक्टर है क्या वो जो पिज्जा का शेप होता है ना दोस्तों आ भाई क्या बात है खुशबू आ गई क्या बात है हाँ तो जो तो पिज्जा का जो शेप होता है ना वो जो स्लाइस होता है वो एक सेक्टर है वो okay? एक सेक्टर है उस शेप को हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोल सकते हैं तो आई होप आप लोग समझ गए करेंगे।, करेंगे, करेंगे अब वो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा ठीक है जरा सुनते जाओ बस एंड दी होल सर्कल रिप्रेजेंट पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा पूरा पिज्जा तो पूरा सर्कल यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा पूरा डेटा पूरे मार्क्स समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है मैं बताता हूं अभी क्या बोल रहा हूं अब यार एक चीज है चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूं जरा देखो है ना अ मैन विद मंथली सैलरी ऑफ इतना एक इंसान है भैया उसकी सैलरी इतनी है वो प्लान करता है अपना बजट भैया बजट प्लान करना बहुत जरूरी है बजट प्लान करना मतलब क्या इतना कहां स्टैंड स्पेंड करूंगा इतना यहां इन्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इतना यहां पे खर्च करूंगा इतना मैं खुशी के लिए खर्च करूंगा इतना मैं पिज्जा खाने के लिए खर्च करूंगा ठीक है ठीक है हाँ तो भैया आइटम क्या लिया भैया खाने में उसने खर्च करा इतना छह हजार तीन सौ रुपए खाने में खर्च कर दिया लॉन्डे रेंट भैया रेंट कितना भैया फोर टू डबल जीरो मतलब कहीं पे रह रहा होगा उसका रेंट दे रहा होगा चार हजार दो सौ रुपए दे रहा है एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के कामों में उसने कितना खर्च करा इतना खर्च करा सेविंग्स इतनी उसने बचाई है भैया है ना कितना भैया सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इसने इन्वेस्ट नहीं करा ये देख के मैं गुस्सा हो गया हूं इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है बट एनी मिसलेनियस मतलब क्या कुछ और फलाना ढिमका खर्चे चौबीस सौ रुपए करा तो इतना पैसा कमाया इतनी इतनी जगह खर्चा हो गया ठीक है रिप्रेजेंट डेटा बाय पाई पाई चार्ट चार्ट की मदद से मुझे ये डेटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ की मदद से कर ही सकता हूं समझ में आ रहा है ना पाईचार्ट की मदद से कैसे करूंगा पहले मैं आपको रफली करके दिखाता हूं आपको क्या करना होगा दोस्तों आपको एक सर्कल बनाना होगा आपको एक सर्कल ऐसा बनाना होगा ठीक है पहले मैं रफली बता रहा हूं फिर मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको रफली क्या करना होगा कुछ सेक्टर्स बना लूंगे बनाऊंगे सेक्टर्स सेक्टर ऑफ सर्कल मैंने समझा सर्कल सेक्टर ऑफ सर्कल वो पिज्जा वाला, शेप, वाला शेप, मैं आपको एक बार और बताता हूं बोलते हैं ठीक है इस शेप को भी यहां ऐसे इस शेप को भी हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल कह सकते हैं समझ में आ रही है बातें अगर मान लो चलो यला शेप बनाया ऐसा ये दो रेडियस खींचे इस शेप को भी हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल

तो सेक्टर उतने ही बड़े या छोटे बनेंगे जितना इनका दिया हुआ नंबर है समझ में आ रहा है वो करेंगे कैसे सेक्टर बड़ा और छोटा मैं बताता हूं क्या अपन एंगल मैं बेसिकली एंगल की बात कर रहा हूं मैं क्या करूंगा मैं इन सारे सेक्टर्स का एंगल पता करूंगा ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल और वो एंगल आएगा कहां से वो एंगल आएगा यहां से मैं क्या करूंगा इन नंबर्स को

अस्सी डिग्री एंगल का ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये रेंट को रिप्रेजेंट करेगा समझ में आ रहा है अब ऐसे करूंगा कैसे एंगल पता कैसे करूंगा वही चीज मैं आपको समझाने वाला ठीक है तो पहले अपन इसको मिटा लेते हैं भैया इसको सारे को मिटा लो भैया मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ अरे इसको ऐसे ही मिटा लेते हैं यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं रुको भैया रुको, रुको 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 इसको ऐसी मिटालेंगे ना हाल तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है चलो बढ़िया अब मैं क्या कर रहा हूँ अगले पेज पे जा रहा हूँ अगले पेज पे जाने के बाद दोस्तों मैं एक लंबा सा ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बक्सा बना दूंगा बक्सा बोल दो ठीक है अब मैं क्या करूंगा जल्दी से फटाक से ऐसे तीन ऐसे तीन इसके वो करूंगा हिस्से करूंगा समझ में आ रहा है इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे इसकी जरूरत नहीं है अब इन तीन हस्तों में क्या लिखने वालों में आपको समझा दूँ पहले आपको पाई चार्ट बनाने के लिए दोस्तों टेबल बनाना आना चाहिए ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेबल में आप क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे आइटम लिखोगे भैया आइटम फूड रेंट ठीक है वो वाले आइटम्स अमाउंट कितना अमाउंट खर्चा हुआ है ठीक है यहां पे क्या लिखोगे यहां पे आप लिखोगे सेंट्रल एंगल मैंने क्या बोला हम एंगल पता करेंगे हम एंगल पता करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा बस बने रहो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आइटम क्या था फूड फिर क्या था रेंट फिर क्या था भैया रेंट के बाद कुछ मिसलेनियस था एजुकेशन था एजुकेशन इसको एजुकेशन बोलते हैं वैसे बट एजुकेशन कह लो फिलहाल के लिए सेविंग्स एंड मिसलेनियस यहां पे लिखा सेविंग्स भैया कुछ सेविंग्स हुई है यहां पे लिख लिया मिसलेनियस एक बार टेबल बन गई काम आसान होगा बबुआ ठीक है अमाउंट कितना भैया जल्दी से देख लो 6300 हजार तीन सौ चार हजार दो सौ छह हजार तीन चार हजार दो आगे क्या भैया तीन हजार नौ सौ चार हजार आठ सौ तीन हजार नौ सौ

यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसको मैं अलग पेन से करता हूँ यहाँ पे लिखोगे खर्चा खाने में 6,300 हुआ टोटल सारे कंपोनेंट सारे ऑब्जर्वेशन मिला के कितना टोटल कितना 21,600 सर ये आपने प्लस तो करा नहीं हमको तो प्लस करने में टाइम लग जाएगा अरे तनिक बबुआ ये दिया हुआ है 21,600 अरे दिया हुआ है समझ आ रहा है ठीक है

इंटू सेवेंटी टू आएगा ठीक है अब क्या करना सेवेंटी टू वन झा सेवेंटी टू फाइव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिग्री होता है सॉरी सेवन टू नहीं आएगा एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया हमने कुछ गलत कर दिया कुछ गलत कर दिया फिर से थ्री सेवनजा थ्री टू झा हाँ सेवन टू यहा है थ्री इंटू ट्वेंटी वन क्या बात है सेवेंटी टू वन जावेंटी टू फाइव नहीं मैं सही बोल रहा था उसके बीच में जो एंगल होगा ना दोस्तों 105 डिग्री का होगा वैसे दोस्तो, ही दोस्तों आप सभी का करोगे किसका इसका पहले करते हैं ठीक है ठीके? तो ये आएगा सौ 6300 नहीं इसका कंपोनेंट क्या है भैया 4200 4200 डिवाइडेड बाय इक्कीस हजार छह सौ बाय डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना बहुत बहुत एक कर लिया ना सारे बन जाएंगे पहले थ्री से काटो पहले दो दो जीरो से जीरो गए थ्री इंटू फोर्टी थ्री इंटू सेवेंटी टू सेवन सेवन समझ में आ रहा है अगला वाला जल्दी से लिखते हैं भैया थ्री नाइन डबल जीरो कितना हो जाएगा जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए दो जीरो से दो जीरो जाएंगे थ्री इंटू थर्टीन थ्री इंटू सेवेंटी टू सेवेंटी टू वन है दोस्तों बाहर जा रही है तो माफी ठीक है हमको बस आपको मकसद ये समझाना है चार हजार आठ सौ है ना ये हाँ चार हजार आठ सौ तो चार हजार आठ सो डिडेड बाई इक्कीस हजार छह सौ समल दी डिग्री कितना आएगा भैया सॉल्व कर दो जीरो से दो जीरो क्या बात है थ्री इंटू सिक्स इंटू फाइव कितना भैया एट्टी डिग्री पांच डिग्री कैसे आ गया भैया थर्टीन इंटू फाइव सिक्सटी फाइव होता है एक सौ पांच काे लिख दिए हम पता नहीं मस्ती मस्ती में लिख दिए होंगे ठीक है सिक्सटी फाइव डिग्री हो गया बचा कौन सा लास्ट वाला लास्ट वाले के लिए क्या भैया दो हजार चार सौ लास्ट वाले दो हजार चार सौ है ना डिवाइडेड बाय इक्कीस हजार छह सौ मल्टीप्लाइड बाय थ्री जीरो से दो जीरो गए आ गया फोर्टी डिग्री भैया काफी कुचुंबर सा बन गया है लेकिन कौन दिक्कत नहीं है इसको ऐसा कर देते हैं ठीक है ऐसा देख लीजिएगा आप है ना इसको ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा क्या बात है फिर इसको ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा देख लीजिएगा ठीक है आप लाइन से लिखिएगा नहीं तो ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं क्या बात है ठीक है इसको फिर कैसा भैया इसको ये इधर से कट रहा था तो इसको ऐसा लिख लेते हैं फिर इसको ऐसा कर लेते हैं समझ में आ रहा है और ये लास्ट वाला तो आप समझ ही गए होंगे क्लियर है बातें समझ में आ रहा है मैंने क्या कर है बस मेन है समझाना 105 70 65 80 40 अच्छा इन सबको प्लस करके देख लेना कि 360 आ रहा है कि नहीं सारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है तो हमारे पास 360 डिग्री है देने को 360 डिग्री के आगे थोड़ी जा सकता है या 360 डिग्री से कम थोड़ी हो सकता है समझ में आ रहा है 105 70 तो 175 180 240 320 360, सर ये क्या कर दिया आपने अरे प्लस करा है आप अपने से कर लीजिएगा ठीक है अब क्या भैया एंगल्स पता चल गए वापस अब आप आप पे पे क्या करोगे जल्दी से आप यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे ठीक है पे आपने बड़ा सा सर्कल बनाया ठीक है किसी भी रेडियस का बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों ठीक है यहाँ पे सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए भैया सर्कल का सेंटर पता है क्या बात है अब जल्दी से सर्कल का एक रेडियस बना लीजिए बस एक ही रेडियस बनाना है ठीक है एक ही रेडियस समझ में आ रहा है

बहुत अच्छे ठीक है भैया देखना 105 डिग्री कहां पे आ रहा है ठीक है तो 105 यहां से स्टार्ट करेंगे 105, 105 105 105 105 ये कुछ यहां पे आ रहा है क्या बात है प्रोटेक्टर हटाया ये निकाला यहां पे ये लाइन दूसरी कैसे बन गई हाँ अरे यार फिर से रखना पड़ेगा वो मेरा मिट गया मेरा मिट गया जरा देखना जरा देखना क्या बात है 105 डिग्री क्या बात है 105 डिग्री बहुत अच्छा यहां पे ऐसे आपने लाइन खींच दी ये ऐसा जाएगा ठीक है इसको आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के ऐसा कर दो ठीक है मेरा प्रोटेक्टर बड़ा इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं आपका छोटा होगा आपको समझ में आ जाएंगी बातें ठीक है इसको फिर से बना लेता हूं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा भैया ऐसा आएगा ये इसको मैंने यहां तक ले गया ठीक बा तो ये हो गया आपका कितना ये हो गया आपका कितना एक डिग्री ये हो गया आपका एक डिग्री और ये किसके लिए हो गया भैया ये हो गया फॉर बातें अब कितना था भैया अगले का कितना था सत्तर और सिक्सटी फाइव सेवेंटी डिग्री कैसे नापेंगे भैया देखो अब सेवेंटी डिग्री के लिए क्या करो घुमाओ छोटा हो जाओ घूम जाओ इसको यहां पे लाएंगे भैया अरे ई का हो गया भैया बहुत आप मिट जाइए आप आ जाइए इसको यहां पे रखा बीच में ठीक इस बार ये वाली लाइन ले रहे हैं बहुत अच्छे भैया ऐसे रखा भैया ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आया ये ठीक बात है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए काम चला लीजिएगा ठीक है कितना ना अपना भैया यहां से सेवेंटी डिग्री शायद है ना कितना था भैया सेवेंटी डिग्री बहुत बच्चे बहुत बढ़िया तो सेवेंटी डिग्री कितना आएगा भैया यहां पर आ जाएगा ये सेवेंटी डिग्री बहुत अच्छे फिर से क्या करेंगे भैया ये यह निकालेंगे यहां से ये यह खींचेंगे ये आ गया आपका कितना इसको ऐसे आगे ले तक ले जाते लेकिन इसको अपन अंदाजे से यहां पे ले लेते हैं तो ये एंगल कितना हो गया ये एंगल हो गया आपका सत्तर डिग्री आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी प्लीज क्या बात है फिर से उसको उठाया भाई अरे आप उठते ही तो नहीं है उठ जाइए प्लीज क्या बात है अब इसको पूरा घुमा दिया भाई अब इसको पूरा घुमा दिया ऐसे इसको यहां पर लेके आए ऐसा रखा इसको और घुमाना पड़ेगा बाकी वो एकदम सीधा बैठे लाइन पे ठीक है सीधा बैठ रखे अगला एंगल कितना है अगला एंगल है 65 डिग्री तो 65 डिग्री किधर आएगा 65 डिग्री आएगा इधर जीरो से गिनेंगे सिक्सटी और ये पांच पूरी मुंडी ही घूम गई है 65 डिग्री हो गया ठीक है ये निकाला यहां पे रखा ये होता 65 डिग्री थोड़ा यहां तक अंदाजे से ऐसा रह लिया समझ में आ रहा है तो यह एंगल कितना हो गया यह एंगल हो गया सिक्सटी फाइव डिग्री आगे देख ले कितना था आगे एट्टी डिग्री है भैया देख लेना है ना हमें याद है तो इसको फिर घुमाया इसको फिर सेंटर में लेके गए सेंटर इसको फिर घुमाया था कि ये सीधी वाली लाइन में आए क्या बात है कितना था 80 डिग्री 80 डिग्री कहा आएगा भैया जीरो और ये रहा 80 क्या बात है 80 डिग्री आ गया 80 डिग्री के लिए ये अपने लाइन बना दी ऐसा आता लेकिन अपन ने इतना कर दिया ठीक है अगला वाला नापने की जरूरत नहीं होगी अगला वाला लास्ट है देख लीजिए देख लीजिए एट्टी के बाद फोर्टी है तो भैया जो बचा हुआ होगा अगर टोटल है भैया टोटल थ्री सिक्सटी है हम पूरा कवर कर रहे हैं तो बचा हुआ फोर्टी होगा ना नाप के देख लीजिएगा नाप के देख लीजिएगा ये भैया हो गया एट्टी ये भैया हो गया एट्टी और ये भैया कितना हो गया फोर्टी डिग्री क्लियर हो रही है बातें क्लियर हो रही है बातें इसको हटा दीजिए ये आपका बन गया क्या ये आपका बन गया क्या दोस्तों आप मिट जाइए बहुत अच्छा ठीक है यह आपका बन गया क्या एक पाई चार्ट सर्कल भी बोल सकते हो तो सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं इसको क्लियर है ऐसे बनाते हैं पाई चार्ट यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया जिसका ज्यादा एंगल है वहां पर ज्यादा खर्चा हो रहा है जिसका ज्यादा एंगल है वहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है यह किसका है भैया खर्चा यह खर्चा है किसका है मिसलेनियस का है ना यह हो गया आपका मिसलेनियस का यह 80 डिग्री किसका है एक तो 80 अच्छे से लिखा नहीं है मैंने तो 80 जल्दी से अच्छे से लिख लेते हैं पहले मिटा देते हैं इसको 80 जल्दी अच्छे से लिख लेते हैं क्या बात है 80 डिग्री बहुत अच्छे येलो निकाला ये 80 डिग्री किसका आया था भैया सेविंग्स का आया था शायद है ना तो ये किसका हो गया सेविंग्स का सेविंग्स में जा रहा है इतना ठीक है सिक्सटी डिग्री किसके लिए था मेरे ख्याल से एजुकेशन के लिए तो इसका कितना हो गया ये हो गया अपना एजुकेशन के लिए ठीक है ये सत्तर डिग्री किसके लिए आया था रेंट पर गया भैया ठीक है फूड मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी समझ में आ रही है बातें कैसे बनाना है पाई चार्ट आई होप बन गया होगा सर्कल बनाना है एक रेडियस ड्रॉ करना है फिर एंगल पता करना है वो एंगल कैसे पता करेंगे ऐसे 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 देख लो ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे घोचड़ पोचड़ हो गई है संभाल लेना मैं जानता हूं संभाल लोगे ये वैसे भी देख के करने वाली चीज नहीं है आप लोगों को खुद करनी है वो तो मैंने एक तरीका बताया कि आप किसी भी पाई चार्ट में जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक पैटर्न से चीजें कटेंगी उस पैटर्न से काटोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा नहीं काटोगे तो नहीं होगा आई होप आप लोग को पाई चार्ट समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं द डेटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाई सेवन स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो कुछ स्टूडेंट्स बस से जा रहे हैं कितने एक सौ बीस स्टूडेंट्स साइकिल से 180 स्टूडेंट्स ट्रेन से 240 स्टूडेंट्स कार से 80 स्टूडेंट्स स्कूटर से 100 स्टूडेंट्स आपको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है इन ऑब्जर्वेशन को क्लियर है बातें आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं प्लीज एक बना लेना ज्यादा से ज्यादा दस मिनट लगेगा यार ओ ठीक है चलो यार आगे चलते हैं चलो बहुत अच्छे चल। तो आगे क्या दे रहे हैं भैया प्रोबेबिलिटी फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज प्रोबेबिलिटी पहली बार पढ़ रहे हो ध्यान से समझना होता क्या है ठीक है इंट्रोडक्शन यार कुछ अपनी एवरीडे लाइफ में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सुनते हैं जैसे कि क्या मोस्ट प्रोबेबली मतलब मतलब नहीं है कि कल पक्के से बारिश होगी लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ यार कल बारिश होने का बहुत ज्यादा चांस है ठीक है फिर क्या बोल रहे भैया चांसेस आर हाई द प्राइसेस ऑफ तो पेट्रोल विल गो अप। फिर कोई होगा आपका दोस्त आके फिर आपको कल बोलेगा भाई कि चांसेस है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है ना वो बढ़ जाएंगे चांसेस पक्का नहीं हो पक्का नहीं कह सकता लेकिन आपके स्पोर्ट्स डे में स्कूल में आपका फ्रेंड फिर से आपके पास आता है भैया बहुत बातें करता है आपका फ्रेंड है ना आपके पास आता है आपसे बोलता है भाई कि ये जो बंदा दौड़ रहा है मेरे को डाउट है कि ये जीतेगा ठीक है

ये जो कि चीजों को हम लोग इवेंट बोल सकते हैं रेस में दौड़ना एक इवेंट रेस में जीतना एक इवेंट समझ में आ रहा है बारिश होना है एक इवेंट हो गया समझ में रहा कोई फंक्शन होना है एक इवेंट हो गया ठीक है चांसेस ऑफ क्या पेट्रोल का प्राइस ऊपर जाना या घट जाना एक इवेंट हो गया इनको हम इवेंट बोल रहे कोई चीज होने को हम लोग इवेंट बोल रहे हैं इवेंट के बारे में और बातें करेंगे बने रहो रहोतने ठीक है ये जो इवेंट्स है जो इवेंट्स है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ऐसा ही है ना पेट्रोल का प्राइस बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है ना मतलब चांसेस हम लोग पक्का नहीं कह सकते राइट right? तो हम लोग क्या करेंगे थ्री नंबर टू जो दे नंबर या या देना होता है ना इन इवेंट्स को इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के होने की क्या संभावना संभावना प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मी विनिंग द रेस इज वन बाय टू इसका क्या मतलब है मैं, मैं आपको समझाऊंगा ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेट्रोल प्राइस ग्रोइंग अप ग्रोइंग नहीं गोइंग अप इज

जीरो इसका मतलब वो पक्के से नहीं होगा कहने का मतलब एक के तौर मैं आपको कह सकता हूं कि कल दुनिया खत्म होने की प्रोबेबिलिटी है जीरो समझ जीरो समझ में ही होगी मतलब होपफुली तो मजाक कर रहा है ना बुरा मत मान जाना ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा आपको नहीं पढ़ाना इस जीरो ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा आपको कल से नहीं पढ़ाना इस जीरो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा मेरा वादा है समझ में आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ठीक तो है तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा होगा मेरा आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना होगा ही होगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास इज दोस्तों वन मतलब ऐसा पक्के से होगा ऋतिक दोस्त आपका ऋतिक सर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई नंबर टर्म्स नंबर टर्म्स क्या हो गई वन ठीक है जीरो मतलब होगा ही नहीं वन मतलब होगा ही होगा और जीरो से वन के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर लाइक करते कभी भी वन से ज्यादा नहीं जाएगा कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा जीरो से वन के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर लाइक करेगा अब इसके बारे में और बातें आगे करते हैं

आउटकम्स मतलब क्या जो आ रहा है कॉइन टॉस करने के बाद सर सर हेड आ आ आ सकता है, सर टेल आ सकता है तो क्या -क्या आ रहा है टेल क्या -क्या क्या -क्या है. है. तो क्या-क्या रहा एक्सपेरिमेंट करा मैंने कोई भी चीज करी मैंने अगर वो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मुझे दे रही है तो उसको मैं एक्सपेरिमेंट बोलूंगा क्या बोलूंगा एक्सपेरिमेंट फिर से बताता हूं मैंने कोई चीज करी मैंने कॉइन टॉस करा मैंने डाय को रोल करा अरे डाई होता है ना उसको मैंने रोल करा ठीक है तो कुछ का आउटकम्स आएंगे टू आ सकता है थ्री आ सकता है फोर आ सकता है फाइव आ सकता है सिक्स आता है आ सकता है वो डाई में छह लाना पड़ता है शायद वो सांप से वो सांप सीढ़ी में पहले से निकलने के लिए वो जो भी लूडो लूडो में लूडो में हाँ वो निकलने के लिए है ना हाँ बहुत बढ़िया कमिंग टू द पॉइंट दोस्तों हाँ तो एक्सपेरिमेंट क्या एक मैंने मान लो कोई डाय रोल करा मैंने ठीक है मैंने डाय रोल करा अब इसमें कुछ आउटकम्स आ रहे हैं ठीक है तो अगर कोई भी कोई भी ऐसी चीज है जो मैं कर रहा हूं जैसे रोल करना कॉइन टॉस करना राइट अगर ये मुझे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स दे रहा है तो उसको मैं आउट क्या बोलूंगा एक्सपेरिमेंट बोलूंगा कोई भी इवेंट अगर मुझे वेल डिफाइंड आउटकम्स दे रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा एक्सपेरिमेंट बोलूंगा और हर एक आउटकम को हम क्या बोलते हैं वो एक आना वो दो आना वो हेड आना वो टेल आना हर एक आउटकम को आप क्या बोलते हैं इवेंट बोलते हैं हर एक आउटकम को क्या बोलते है? बोलते हैं हैं इवेंट 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 हेड आना आना एक है, आना एक है है टेल समझ में आ रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है है बहुत ध्यान से बहुत ध्यान ध्यान से से क्लियर ठीक है ठीके? कुछ आ सकता है ठीक मतलब है an experiment, an experiment जिसमें हमको सारे आउटकम्स पता है जैसे कि अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे पता है क्या क्या है? आ सकता है हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है लेकिन मुझे यही नहीं पता कि आएगा क्या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मुझे पता है कि आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं जैसे कि डाय को रोल करना मुझे पता है कि एक से छह तक नंबर्स आ सकते हैं वन आ सकता है टू आ सकता है थ्री आ सकता है फोर आ सकता है फाइव आ सकता है सिक्स आ सकता है लेकिन मुझे यही नहीं पता कि क्या आएगा तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं क्या बोलता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट मुझे पता है कि क्या क्या आ सकता है क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं लेकिन ये नहीं पता दोस्तों कि क्या आएगा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलता हूं समझ में आई बातें बढ़िया आई होप आप को बातें समझ में आ गई होंगी ये आप यहां पे पढ़ सकते हो बहुत आसान है बाकी मैंने आपको समझा दिया ठीक है आगे सब एक्सपेरिमेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन क्या बात है भाई पीपीटी बहुत ही शानदार बनाई गई है टॉसिंग अ कॉइन में क्या कह सकते हैं भैया ये आउटकम्स लिखे हुए हेड और टेल ठीक है

दोनों में क्या या तो दोनों में हेड आ सकता है या तो दोनों में टेल आ सकता है इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या खुद ही सोचो सोच लो भैया सोच लो मैं इंतजार कर रहा हूं सोच लो सोच लो इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या दो पॉइंट को टॉस करूंगा क्यों नहीं आ सकता ठीक है बढ़िया तो हेड टेल आ सकता है टेल हेड आ सकता है हेड हेड आ सकता है टेल टेल, टेल आ सकता है ठीक है इसको हम आउटकम्स बोलेंगे थ्रोइंग डाई या तो वन आ सकता है या तो टू आ सकता है या तो थ्री आ सकता है या तो फाइव या तो ये आउटकम्स लिखे हुए ये एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स लिखे हुए हमें पता है कि यही आएगा ये नहीं पता कि क्या आएगा

खेलना नहीं है खेलना नहीं है कुछ सीखना है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शेफल्ड सफल क्या कर दिया भैया सफल करने मतलब क्या शफल कर दिया शफल करते हैं उसको अब उससे कार्ड निकालना भी एक एक्सपेरिमेंट है उससे कार्ड निकालना भी एक एक्सपेरिमेंट है समझ में आ अब वो क्या क्या मुझे पता है क्या क्या आ सकता है मुझे पता है कि कुछ 52 कार्ड्स आ सकते हैं मैं समझाऊंगा 52 कार्ड्स होते हैं मुझे पता है कि 52 कार्ड्स आ सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं जो एक पत्ता निकालूंगा वो आ होगा क्या मुझे ये पता है कि वो एक पत्ते में क्या क्या हो सकता है लेकिन ये नहीं पता कि होगा क्या इसलिए वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ समझ में आया बढ़िया ड्रॉइंग तो कार्ड एक कार्ड को निकालना एक कार्ड को ड्रॉ करना फ्रॉम डेक ऑफ मैं आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूं 52 cards होते, total 52, 52 के चार हिस्से करे जाते हैं, मतलब को चार बार प्लस करोगे तो फिफ्टी आएगा तो तेरा तेरा हिस्से करे जाते भैया 13, क्लब्स के कार्ड होते हैं

फिफ्टी टू के चार हिस्से करें एकदम बरूबर हिस्से इसमें तेरा इसमें तेरा इसमें तेरा इसमें समझ में आ रहा है अगले तेरह को डायमंड नाम दिया गया अगले तेरह को हार्ट नाम दिया गया इन दोनों रेड कलर के होते हैं इतना समझ में देखते हैं भैया इन फिफ्टी टू कार्ड में यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पेड्स तेरह क्लब्स तेरा हार्ट तेरह डायमंड तेरह टोटल छब्बीस हो गए

ये yes, स्पेड्स अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कार्ड्स होते हैं इसमें ठीक है जो तेरा कार्ड्स होते हैं दोस्तों जो तेरा कार्ड्स होते हैं बहुत ध्यान से एक बार समझ लीजिए तेरा कार्ड्स होते हैं एक कार्ड होता है ए का ए मतलब क्या ठीक है फिर होता है दूसरा टू फिर तीन ये नंबर है चार पांच छ सात आठ नौ दस दस के बाद क्या भैया मैं आपको बता देते हैं भैया जैक क्वीन और किंग जैक क्वीन और किंग सबसे बड़ा पत्ता एस का होता है इसको हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं ना ए इसकी ये किंग है भैया ना ये ये जैक है ये जैक है ये क्वीन है क्वीन लिख देते हैं और यहां पे क्या लिख देते हैं भैया है? किंग लिख देते हैं समझ में आ रही है क्या बात है अब ये जो तो तेरा कार्ड आप गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये तेरह कार्ड होते हैं सारे सारे चीजों में स्पेड्स में भी यही तेरा कार्ड्स क्लब्स में भी यही तेरा कार्ड्स डायमंड में भी यही तेरा कार्ड्स हार्ट्स में भी यही तेरा कार्ड्स कौन कौन से भैया नंबर कार्ड दो से लेके दस तक और चार स्पेशल कार्ड्स बोल सकते हो आप एस किंग क्वीन एंड जैक फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं इनमें किसी में फेस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर जैक क्वीन एंड किंग समझ में आए तो एक बात बताओ स्पेड्स की बात करूं तो कितने फेस कार्ड्स होंगे सर तेरह में से तीन फेस कार्ड्स होंगे स्पेड्स में इसमें भी कितने फेस कार्ड होंगे सर तीन इसमें भी कितने होंगे, तीन. सर, में भी कितने होंगे? तीन. तो कितने इन तीनों के अलावा किसी में चेहरे नहीं बने होते हैं और यही कार्ड होते हैं समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना फटाफट टोटल 52 कार्ड्स में ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जिसमें दो लिखा होगा नंबर टू लिखा होगा सर पेड में एक ही दो है इसमें भी एक होगा इसमें भी एक होगा इसमें भी तो टोटल कितने हो गए चार दो के कार्ड्स टोटल चार दस के कार्ड टोटल चार एज के कार्ड्स टोटल चार किंग्स के कार्ड टोटल चार क्वींस के कार्ड टोटल चार जैक के कार्ड टोटल चार नौ के कार्ड्स आई होप आप लोग समझ गए क्योंकि चार ग्रुप्स हैं क्योंकि चार ग्रुप्स हैं टोटल फेस कार्ड्स कितने दोस्तों एक में तीन तो चार में बारह क्लियर तीन 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 आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी सर ये सब क्यों बता रहे हो पत्ते खेलना है क्या अरे पत्ते नहीं खेलना बबुआ क्वेश्चन करना है बताते हैं क्या इवेंट का मतलब पहले समझो द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम समझ गए जो जो आ रहा है टू आ रहा है, two आ, रहा है three आ रहा है इन आउटकम्स के कलेक्शन को या तो एक आउटकम को कलेक्ट कर लो वन को कलेक्ट कर लो या तो टू तो को कलेक्ट कर लो या तो उनमें से कुछ आउटकम्स को कलेक्ट कर लो या तो सारे आउटकम्स को कलेक्ट कर लो फिर से बोल देते हैं मान लो मैंने डाय को रोल कराउटकम्स का क्या, क्या है one, बबुवा टू बबुआ थ्री बबुआ चार बबुआ पांच बबुआ छे

समझ में अभी बताया था मैंने अरे याद होगा क्या बात है बहुत बढ़िया तो एच एच मतलब क्या दोनों में हेड उस आउटकम को मैंने कलेक्ट करा उस आउटकम को मैंने कलेक्ट करा उसको भी मैं एक इवेंट बोल सकता हूं मतलब इज द इवेंट ऑफ गेटिंग गेटिंग टू टू हेड्स हेड्स ठीक है वैसे ही इन रोलिंग को रोल कर दिया भैया है ना die को रोल कर दिया गेटिंग एन इवन नंबर गेटिंग एन इवन नंबर मतलब क्या डाई को रोल करा तो इवन नंबर मतलब क्या टू या तो फोर या तो सिक्स समझ मारा इन आउटकम्स को मैंने अगर करेक्ट कर लिया गेटिंग नंबर को भी मैं एक इवेंट बोलूंगा समझ मारे तो इवेंट बोल सकता हूं क्लियर हो रही है बातें और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूंगा एक साइड और देख लो क्वेश्चंस करने के पहले बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस बहुत आसान है बहुत आसान प्रोबेबिलिटी अब ये फॉर्मूला है भैया रट लो दिमाग में याद कर लो ये फॉर्मूला आपको क्लास क्लास क्या कॉलेज तक काम आएगा सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है मानोगे नहीं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है हर क्लास में हर लेवल की स्टडी में वो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्या है भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब समझ गए कितने टोटल आउटकम्स है जैसे डाय को रोल करा तो कितने आउटकम्स है टोटल सर छह आउटकम्स है

कितने फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने आपको चाहिए क्वेश्चन में कितने लाने को बोल रहा है बताऊंगा सब क्लियर होगा बस बने रहो ये क्या है भैया

ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट सेक्टर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मैं जब बिल घुमाया तो एरो वाइट पर हुआ एरो वाइट पर आकर रुका क्या प्रोबेबिलिटी होगी बहुत आसान है बहुत आसान इवेंट, इवेंट क्या हुआ इवेंट क्या हुआ यहाँ पे अ वाइट सेक्टर इवेंट क्या हुआ एक वाइट सेक्टर लाना है एक वाइट सेक्टर लाना है समझ में आ रहा है बहुत सिंपल सा बसा फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो क्या भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको हम लोग ई इवेंट बोल रहे हैं ठीक है थीके? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इवेंट क्या है व्हाइट सेक्टर का आना व्हाइट सेक्टर का आना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पे लिखो एक फॉर्मले के साथ कर रहा हूं बाकी मैं ऐसे ही कर दूंगा ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दोस्तों अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोस्तों क्लियर है बातें अब मैं आपको सबका मतलब समझाता हूं बहुत अच्छे से ठीक है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसको एक नंबर देना है क्या संभावना है क्या संभावना है ये व्हील पर रुक जाए तो टोटल आउटकम्स क्या हुए कितने हुए टोटल आउटकम्स या तो व्हाइट पर रुक जाए या तो रेड पे या तो डब्लू मतलब टोटल आउटकम्स देखिए क्या, क्या क्या आ सकता है भैया या तो ये व्हाइट आएगा या तो ये रेड आएगा या तो ये 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 समझ में आ रहा है कितने हो गए टोटल सर आठ आउटकम्स कितने होगा सर आठ मतलब आठ जगहों पे रुक सकता है तो उसको आउटकम्स बोल दिया तो नीचे आप क्या लिख दो एट लिख दो नीचे आप एट लिख दो टोटल क्या हो है? एट। बहुत बहुत कसम खुदा की। आगे क्या भैया नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल क्या हमको कितने जगह पे रोकना है हमको वाइट सेक्टर पे रोकना है कितने व्हाइट एक दो तीन चार पांच पांच है तो नंबर कितने हो गए व्हाइट सेक्टर के पांच तो यहां पर आ जाएगा पांच तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई व्हाइट सेक्टर के आने की व्हाइट सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई दोस्तों फाइव बाई एट समझ में आया रेड सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एट ही रहेंगे आठ जगहों पे रुक सकते हैं रेड कितने फेवरेबल मतलब रेड चाहिए हमें फेवरेबल मतलब रेड चाहिए एक दो तीन तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थ्री बाय एट यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम चलो इवन बोल देते हैं इवेंट मतलब क्या इवेंट ऑफ रेड सेक्टर आना किसका आना रेड सेक्टर का आना ठीक है तो इवन क्या है रेड सेक्टर ये e क्या था व्हाइट सेक्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e क्या होगी दोस्तों सर एट और ऊपर क्या आएगा थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा इतना इजी है बस फॉर्मूला लिखना है आंसर लिख देना है फॉर्मूला लिखना है आंसर लिख देना है कुछ और क्वेश्चन करेंगे और चीजें क्लियर होंगी अ कॉइन इज इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आना मतलब एक इवेंट हेड आना मतलब एक इवेंट तो ईको मैं क्या बोलता हूं एक इवेंट बोल देता हूं क्या ऑफ गेटिंग अड ऑफ चलो गेटिंग अड लिख देते हैं बस इवेंटी क्या है भैया गेटिंग अ गेटिंग अ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दोस्तों अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब एक बात बताओ अगर आपने एक डाय को रोल को रोल सॉरी को टॉस करा तो क्या क्या आउटकम आ सकता है पहले उन आउटकम्स को लिख लो भैया क्या -क्या यही, यही आउटकम्स आएंगे सही है तो टोटल नंबर ऑफ सर एक और दो दो ही चीजें आ सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवेंट मतलब क्या ऑफ गेटिंग समझ में आ रही है बातें क्या बात है पता नहीं मेरे को लगा कोई आया आयानी हाँ. भैया anyway, भूत वूत ना हो बस है ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो नाटल भैया दो फेवरेबल मतलब क्या हमें क्या चाहिए हमें क्या लाना है गेटिंग हेड 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 मतलब मतलब एक मतलब एक तो प्रायोरिटी क्या होगी वन बाय बाय टू आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी बातें इतना आसान है आगे चलते हैं भैया वेन टू आर साइमल्टेनियसली वॉट आर दी पॉसिबल आउटकम्स वॉट आर दी पॉसिबल क्या क्या आ सकता है अगर दो कॉइन्स को टॉस करूं भाई खुद ही सोचो ना या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा तो पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिख सकते हो आप यहां जहां ऐसा लिख दो आप आउटकम्स भैया आउटकम्स आउटकम्स क्या क्या आएगा भैया या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा या दूसरे दूसरे में टेल तीसरे में हेड आएगा

टू ऐसे नाम दे रहा हूं एटलीस्ट वन हेड क्या बात है भैया बढ़िया क्वेश्चन एटलीस्ट वन हेड समझ सेम सेम में आ रहा है ये और हमें नहीं बनता क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ा है। इतना आसान है।, हाँ है एक इवेंट क्या दो हेड आना एक इवेंट क्या एटलीस्ट एक अभी इसके बारे में बात करते हैं अभी की क्या निकाले प्रोबेबिलिटीज क्या निकालना प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे जरा देखिए िटी ऑफ इवन ईवन मतलब क्या दो हेड्स तो दो हेड्स मतलब क्या एक ही आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा फेवरेबल एक तो टोटल चार ये आपका एक आंसर हो गया समझ में आया बढ़िया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बहुत आसान है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू टू मतलब क्या एटलीस्ट वन हेड तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भैया चार जैसे यहां पर चार लिखा था तो यहां पर चार लिख दो ऊपर क्या आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या-क्या आना चाहिए क्या-क्या चाहिए हमको यहां पे हमको दो हेड्स चाहिए थे मतलब एक आउटकम यहां पे हमको क्या चाहिए एटलीस्ट 1 हेड एटलीस्ट और एट मोस्ट का कांसेप्ट बबुआ क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट मतलब दोस्तों कम से कम कम से कम आप मार्केट जाने से पहले आपकी मम्मी आपसे बोलती हैं कम से कम बेटा कम से कम एक दूध का पैकेट जरूर लाना तो मम्मी का मतलब क्या है कि भाई एक तो लेके आना एक से ज्यादा लाएगा तो मुझे चल जाएगा आपकी मम्मा को चल जाएगा समझ में आ रहा है आपकी मम्मी ने बोला एटलीस्ट ब्रिंग वन पैकेट ऑफ मिल्क इससे आप क्या समझोगे कि एक एक तो लाना ही है एक से ज्यादा लाऊंगा तो भी मम्मी डांटेंगी नहीं चल जाएगा मतलब यहां पे क्या मतलब एटलीस्ट वन मतलब क्या एक हेड तो आना ही चाहिए दोनों में से किसी में दोनों कॉइन्स में से किसी में एक हेड तो आना ही चाहिए दो हेड भी आएंगे तो चलेगा तीन हेड तो आ नहीं सकते तीन कॉइन है कितने आउटकम से भैया एक ये चल जाएगा एक हेड है इसमें एक हेड है, है इसमें इसमें दो हेड चल जाएगा चल जाएगा ये मत सोचना कि सर एक हेड का पूल है नहीं नहीं कम से कम एक हेड का है कम से कम एक दूध का पैकेट मतलब क्या एक से ज्यादा भी लाओगे तो मम्मी नहीं डांटेंगी मतलब एक से ज्यादा वाला हेड भी आप ले सकते हो दो हेड भी ले सकते हो इसको मतलब लेना कम से कम मतलब मम्मी ने बोला क्या कम से कम एक दूध का पैकेट लेके ही आना अगर आप एक भी नहीं लाओगे तो पड़ेगी फिर समझ में आ रहा है तो ये दो टेल मत ले लेना एक हेड तो आना ही चाहिए तो एक हेड एक हेड इसमें है मतलब दो आउटकम्स ये ये हो हो गए तीसरा ये हो गया क्योंकि दो भी लाऊंगा हेड तो चल जाएगा तो टोटल कितने हो गए तीन आउटकम्स पे आप डब्बा बना दो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टू टू इज वॉट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड अगर कहने का मतलब बस यही है अगर आप दो कॉइंस को टॉस करते हो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर ये नंबर के बारे में ना आप और सीखोगे शायद मुझसे ही सीखोगे टेंशन मत लो तो सब बताऊंगा अभी बस क्वेश्चन स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 35. से बॉयज कितने बीस गर्ल्स कितने पंद्रह फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज एट रैंडम पैतीस स्टूडेंट्स खड़े उसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां है, टीचर ने एक को सेलेक्ट करा रैंडम रैंडम किसी को एक सेलेक्ट करा ठीक है अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, है, कोई कोई है? चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक लड़की चूज करी होगी क्या प्रोबेबिलिटी होगी फॉर्मुला क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिख देंगे मैं डायरेक्ट करता हूं भैया बॉय के लिए अब इवेंट वगैरह नाम नहीं दे रहा हूं मैं ना इवेंट ऑफ बॉय इवन आप बोल सकते हो ना इवन क्या बोल सकते हो सेलेक्टिंग अ बॉय ई टू क्या बोल सकते हो सेलेक्टिंग अ गर्ल ठीक है यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं इवन सेलेक्टिंग अ बॉय सेलेक्टिंग अ बॉय ई टू इवेंट है ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल अ गर्ल मतलब सिंगल गर्ल ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटम्स हैं टोटल टोटल आई होप आप लोग बातें क्लियर होंगी ये वाला आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं कर लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज फोर बाय सेवन और जितने भी हाँ पे फ्रैक्शन आ रहे हैं दोस्तों यहां पे फोर बाय सेवन पिछले में कुछ वन बाई टू पिछले में कुछ थ्री 4, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना, से सब का 0 से के में आएगा। कि किसी भी दुनिया की प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो से वन के बीच में आ रहा है मतलब ही मतलब ही नहीं। समझ में आ आगे चलते हैं भाई अब बैड कंटेंस ये वाला क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं

अब वो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रॉन इज द प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड ड्रॉ करा मैंने जो कार्ड मैंने निकाला वो डायमंड का कार्ड हो ठीक है तो इवन किसको बोल देंगे एक इवेंट बनाया क्या इवन ईवन even एक इवेंट बनाया इवन क्या भैया डायमंड का सेलेक्टिंग डायमंड ऑफ ड्रॉइंग डायमंड ठीक है आप ऐसा लिख सकते हो ड्रॉइंग इवन even क्या है भैया ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ डायमंड ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ डायमंड आई होप बा समझ में आ रही होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मैंने कार्ड ड्रॉ करा वो डायमंड का हो सर टोटल आउटकम्स कितने फिफ्टी टू क्योंकि टोटल उन 52 में से कुछ भी आ सकता है

अब क्लब्स में कितने पांच होंगे भैया एक ही पांच का होगा हमसे फाइव ऑफ क्लब कहने का मतलब क्या हमसे पूछ रहे हैं भाई बेसिकली कुछ नहीं बोल रहे, हैं। ये बोल रहे हैं भाई ये 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 ये, ये देखिएगा क्लब्स ये है है ठीक आपने शफल आपने कार्ड्स को करा एक कार्ड निकाला हमसे पूछ रहे हैं कि इसका ये ऐसा साइन बना होगा इसको हम क्लब बोलते हैं इसके पांच इसके पांच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके पांच आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्लब्स के पांच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ये मैंने आपको स्पेड्स का बताया था क्लब्स में भी ऐसी कार्ड चलेंगे हार्ट्स में भी ऐसी चलेंगे राइट क्लब्स में कितने पांच के होंगे लिख लेते हैं सिर्फ एक पांच का कार्ड होगा क्लब में क्लब में सिर्फ एक का होगा सारे फिफ्टी टू कार्ड में टोटल चार कार्ड होंगे लेकिन मुझे क्लब्स की बात कर रहे हैं क्लब्स में तो एक ही होगा इसलिए ऊपर एक लिखा टोटल कार्ड कितने टोटल कार्ड फिफ्टी टू प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भैया प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बबुआ प्लीज आप हट जाइए वन अपॉन फिफ्टी टू ऑफ इवेंटी टू विच इज ड्रॉइंग फाइव ऑफ क्लब एक क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड एक डेक को शफल कर लिया एकदम है ना वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एक कार्ड को ड्रॉ करा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड

ठीक है आज ही सीख लिया हम लोगों ने तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच बहुत शायद पता नहीं थोड़ा सा लंबा सेशन हुआ होगा मुझे आइडिया नहीं है ठीक है शायद एक घंटा कुछ पंद्रह मिनट का आई होप यार आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चन बने होंगे क्योंकि वही करने आते हैं एक पाएचाट के क्वेश्चन ने बस बहुत टाइम लिया क्योंकि उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है एंगल वैंगल बनाना पड़ता है बबू है ना क्लियर है बातें डेटा को हैंडल करना सीख गए डेटा को बारोग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर, कर, कर सकते हैं डेटा को टैबुलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया टैली मार्क्स टैली मार्क्स मैंने आपको सिखाया नहीं बट आप समझ गोगे ना वो एक दो तीन चार अगर कहीं पे ऐसे पांच लिखा है तो उसको आप अगर कहीं पे ऐसे पांच लिखा है तो उसको आप तो क्या हो रहा है भाई कहीं पे ऐसे पांच लिखा है तो उसको आप एक दो तीन चार पांच भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो टैली की मदद से ठीक है ये बहुत आसान था इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं आई होप आप लोग को मजा आया होगा ठीक है और क्वेश्चन बने होंगे इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन अपना अपना ख्याल रखो एंड बाय बाय